प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाने और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किया गया। बुद्ध धर्म की विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर पीएम मोदी ने अपनी बात भी रखी। पीएम मोदी ने कहा कि अभिधम्म दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 2021 में कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ शुरू हुई है वो अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। पाली भाषा को जिंदा रखना, भगवान बुद्ध के शब्दों को जिंदा रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यहाँ इसके अलावा पीएम ने पाली भाषा के महत्व पर भी बात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को भी मंजूरी दी थी। हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 2021 में कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था। वहां उस आयोजन में भी मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला था और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ ही शुरू हुई है वो अनवरत जारी है। मेरा जन्म गुजरात के उस वडनगर में हुआ जो एक समय बौद्ध धर्म का महान केंद्र हुआ करता था। उन्हीं प्रेरणाओं को जीते जीते मुझे बुद्ध के धम्म और शिक्षाओं के प्रसार के इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थानों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के दर्शन, मंगोलिया में उनकी प्रतिमा के अनावरण से लेकर श्रीलंका में वैशाख समारोह तक मुझे कितने ही पवित्र आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिला है।